इंडियन गर्ल चैनल त्रुषा। आज की वीडियो मुझे पता है आप तो बहुत इंजॉय करोगे क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ फ्लोरल कुर्ता सेट हॉल। क्योंकि फ्लोरल कुर्ता सेट जो है वो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इवन मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और फ्लोरल कॉटन कुर्ता सेट जो होता है वो आप हर जगह पहन सकते हो, चाहे वो ऑफिस हो, कॉलेज हो, कोई भी फैमिली फंक्शन हो। तो इसीलिए मुझे लगता है आपको पूरा वीडियो को ज़रूर देखना है, आप ज़रूर पसंद करोगे इस हॉल को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, अमेजोन में हर वीकेंड होता है मेगा फैशन वीकेंड, जहाँ पर आपको मिलता है 20% कैशबैक अप टू ₹200 ऑन मिनिमम ऑर्डर ऑफ ₹500 ऑन योर फर्स्ट क्लोथिंग ऑर्डर। सो चलिए फटाफट इस हॉल की फर्स्ट आइटम को मैं शेयर करती हूँ। सो जो फर्स्ट कुर्ती है वो आप देख सकते हो, ये येलो एंड वाइट कलर की कुर्ती है। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इस टाइप का जो येलो कलर है वो हमारे इंडियन स्किन टोन पे बहुत ही ज़्यादा सही लगता है। और आपको यहाँ पे चेस्ट में जो डिटेलिंग मिल जाएगा वो बहुत ही सिंपल एंड सोबर सा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। 3/4 स्लीव्स आपको मिलेंगे, स्लीव्स में भी आपको सिंपल सा एक बॉर्डर मिल जाएगा। और इस कुर्ती की जो पैंट है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, सिंपल वाइट के ऊपर आपको ब्लॉक प्रिंट्स मिल जाएगा येलो कलर का। सो इस टाइप का कुर्ती बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें मैंने साइज ऑर्डर किया है स्मॉल, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं मीडियम ऑर्डर करती तो ज्यादा सही रहता। और इसका जो दुपट्टा है वो भी बहुत ही सॉफ्ट कॉटन दुपट्टा है, यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल सा दुपट्टा है। ओवरऑल जो इसकी लुक है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। सो डे टाइम में यूज करने के लिए ये बहुत ही आइडियल एक कुर्ता सेट है, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन मटेरियल है। सो कंफर्टेबल तो होगा ही, आप अपने ऑफिस या कॉलेज के लिए डेफिनेटली इसे कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है ये कॉटन की अनारकली कुर्ता सेट है। एक्चुअल में समर सीजन में हमें कोई भी ओकेशन उतना ज्यादा अटेंड करना पसंद नहीं आता है, क्योंकि कुछ भी पहनो इतना ज्यादा पसीना होता रहता है। तो इसीलिए समर सीजन में अगर आपके पास कॉटन का कोई ऐसा कुर्ता सेट हो जो कॉटन की भी हो लेकिन कंप्लीटली एप्रोप्रिएट हो किसी भी ओकेशन या फंक्शन के लिए, तो मुझे लगता है आपका जो ओकेशन अटेंड करना होगा उसमें आपको मजा ही आ जाएगा। तो ये जो कुर्ता सेट है बिल्कुल उसी टाइप का है, सिंपल कॉटन कुर्ता सेट है, लेकिन इसमें यहाँ पर आपको चेस्ट में जो डिटेलिंग मिल जाएगा, जो वॉक मिल जाएगा, इसके वजह से ये बिल्कुल ओकेशंस के लिए अप्रोप्रिएट बन जाता है, आइडियल बन जाता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही कंफर्टेबल है। इसके स्लीव्स में भी आपको थोड़ा बहुत डिटेलिंग दिख जाएगा, सो आइडियल होगा किसी भी फंक्शंस या ओकेशंस के लिए। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कंफर्टेबल है, और इसका कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। और इसका जो पैंट है, इसके वेस्ट में आपको इस टाइप का इलास्टिक मिलेगा, प्रिंट जो है वो कुर्ता के साथ ही थोड़ा बहुत सिमिलर कलर्स में है, प्रिंट डिफरेंट है, कुर्ता में डिफरेंट प्रिंट है और पैंट में डिफरेंट प्रिंट है। और जो पैंट एंड दुपट्टा है उसमें आपको सेम प्रिंट मिल जाएगा, दुपट्टा सिंपल सा है, सिंपल कॉटन दुपट्टा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दुपट्टे में अगर साइड में थोड़ा सा कुछ बॉर्डर या फिर कुछ होता तो ज़्यादा बेहतर होता। जबकि ये जो कुर्ता सेट है ओकेशंस के लिए सही है, उसी बेसिस में मैंने इसे परचेस किया है, तो उसी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। थोड़ा सा कुछ डिटेल वर्क अगर दुपट्टे में होता तो और भी ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन ऐसे भी ये मुझे सुपर्ब लगा। देन है ये पीची पिंक कलर का कुर्ता सेट। ये कुर्ता सेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया बिकॉज ऑफ द कलर, और ये जो कलर है मुझे लगता है मोस्टली इंडियन स्किन टोन पे अच्छा लगता है, बहुत ही सोबर सा कलर है, बहुत ही बंगाली में बोलते हैं मिष्टी कलर एक्चुअली, जो आप हर टाइम पहन सकते हो। और ये जो कलर है डे टाइम में बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। और इस कुर्ता सेट का जो पैंट है उसका जो कलर है वो आप देख सकते हो, और मुझे लगता है पीची पिंक के साथ ये जो कलर का कॉन्ट्रास्ट है ये भी बहुत ज़्यादा सोवर लग रहा था। पैंट में आपको इस टाइप का जिगजैग पैटर्न का प्रिंट मिलेगा, और जो कुर्ता है वो कम्प्लीटली फ्लोरल प्रिंट में है, और इसके नेक लाइन में आपको थोड़ा सा डिफरेंट नेक का शेप मिलेगा। बहुत पुराने टाइम में, आई थिंक मैं जब बहुत छोटी हुआ करती थी, मे बी 3, 4 या फिर 5 में, तब के टाइम में सब लोग ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट नेक लाइन का डिज़ाइन बनाते थे, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था तब के टाइम में। सो अभी ये जो नेक लाइन है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इसका जो स्लीव है इसमें भी आपको डिफरेंट प्रिंट का, मतलब जो पैंट का प्रिंट है उसी का थोड़ा सा डिटेलिंग यहाँ पर दिख जाएगा, और कुछ बटन्स डिटेलिंग भी है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है।
सो इसका जो साइज मैंने लिया है वो मैंने मीडियम लिया है, जो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरे टमी के पास से थोड़ा सा टाइट मुझे फील हो रहा है, अदरवाइज मुझे लगता है ये इसका फिटिंग काफ़ी अच्छा है, अगर मैं लार्ज लेती तो ज़्यादा अच्छा लगता, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके साथ कोई भी दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा होता तो पूरा सेट बन जाता, लेकिन ऐसे भी मुझे सिर्फ पैंट और कुर्ता के साथ भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और दुपट्टा बेसिकली मैं हर रोज़ के लाइफ में उतना ज़्यादा कैरी करना भी नहीं चाहती हूँ, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। सो अगर आपको दुपट्टा उतना ज़्यादा नेसेसरी फील नहीं होता है तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे चेकआउट कर सकते हो, इसकी क्वालिटी इज रियली वाओ। नेक्स्ट है ये वाइब्रेंट प्रिंटेड कॉटन कुर्ता सेट। सो ये जो कुर्ता है यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, सिंपल सॉफ्ट कॉटन मटेरियल है इसका, 3/4 स्लीव्स आपको मिल जाएगा, जो नेकलाइन है वो सिंपल सा ही है, एक सिंपल सा यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिलेगा जिसके ऊपर आपको यहाँ पे वुडन बॉटन्स देखने को मिल जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और इसका जो पैंट है इसका भी प्रिंट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही वाइब्रेंट प्रिंट है, मतलब पैंट एंड कुर्ता सेट का जो प्रिंट है वो डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये जो कुर्ता सेट है इसकी क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड, पैंट की क्वालिटी, इलास्टिक की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा सही है, इसमें मैंने साइज लिया है मीडियम, लेकिन मुझे लगता है ये कुर्ता सेट भी अगर मैं लार्ज लेती तो ज़्यादा सही रहता, और बहुत सारे कॉटन के जो कुर्ता सेट है वो मैंने देखा है वॉश करने के बाद थोड़ा सा श्रिंक भी करता है, तो अगर आपको मीडियम साइज बहुत ज़्यादा टाइट आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक साइज जो बड़ा है लार्ज वैसा ले लो, मतलब आपकी जो भी साइज है उससे एक साइज बड़ा ले लो अगर आप कॉटन का कुर्ता ले रहे हो, क्योंकि वो मोस्टली मैंने देखा है कि वॉश करने के बाद थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा 3/4 स्लीव्स में आपको मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली अगर आप अपने कॉलेज के लिए या फिर ऑफिस के लिए कुछ सिंपल सा ढूंढ रहे हो, कंफर्टेबल ढूंढ रहे हो, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे आप सबके लिए सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, सो आप चेकआउट कर सकते हो। देन है इस हॉल की और एक मेरी फेवरेट आइटम, सो ये बेज कलर की कुर्ता सेट है, ये इसका जो कलर है मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा, जैसा कि मैंने इससे पहले भी एक कुर्ते के लिए कहा कि समर सीजन में बहुत सारे ओकेशंस भी हमें अटेंड करना पड़ता है, तो उसमें अगर आप कुछ कंफर्टेबल पहनो, कुछ सोवर सा पहनो, लेकिन ओकेशंस के लिए भी अप्रोप्रिएट हो, ऐसा कुछ आपके पास हो तो मज़ा ही आ जाता है, तो ये भी मुझे लगता है बिल्कुल उसी टाइप का एक कुर्ता सेट है जिसे आप ओकेशनली पहन सकते हो, लेकिन साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी होगी। सो इसका जो स्लीव्स है ये थोड़ा सा डिफरेंट शेप का है, यू कैन सी थोड़ा सा पफी स्लीव की तरह है, और स्लीव्स में भी आपको डिटेलिंग मिल जाएगा, और इसकी जो सबसे अच्छी बात लगी वो है अंगरखा पैटर्न, मुझे अंगरखा पैटर्न से बहुत ज़्यादा ही प्यार है एक्चुअली, सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, सिंपल सा बॉर्डर आपको मिल जाएगा, और जो प्रिंट है वो वाइट एंड गोल्ड प्रिंट में है, तो बहुत ही ज़्यादा आइडियल होगी किसी भी ओकेशन के लिए। सो आपको स्लिट भी मिल जाएगा यहाँ से, और स्लिट जो है वो भी काफ़ी आइडियल है, बहुत ज़्यादा हाई स्लिट भी नहीं है, तो कंफर्टेबल होगी आपके लिए, और इसका जो पैटर्न है वो आप देख सकते हो थोड़ा सा वो अनारकली पैटर्न टाइप का है इस कुर्ता का, और इसका जो पैंट है ये भी बहुत ही सिंपल सा सोवर सा पैंट है, आपको यहाँ पे वेस्ट लाइन में इलास्टिक बॉटम मिल जाएगा, और इसका जो बॉटम है उसमें आप देख सकते हो बॉटम में भी आपको थोड़ा सा डिटेल वर्क मिल जाएगा, थोड़ा सा ये भी वो हरम पैंट जिसको बोलते हैं थोड़ा सा उस टाइप का पैटर्न है, तो काफ़ी स्टाइलिश लगा मुझे ये कंप्लीट सेट, और उसके साथ ये जो दुपट्टा है ये सिंपल सा कॉटन दुपट्टा है, सॉलिड कलर में है, बस आपको साइड में थोड़ा सा इस टाइप का डिटेल वर्क मिल जाएगा, थोड़ा सा इस टाइप का बॉर्डर मिल जाएगा गोल्डन कलर का, जो बहुत ही ज़्यादा एप्रोप्रिएट बन जाएगा किसी भी ओकेशन में इस कुर्ता सेट को पहनने के लिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक कुर्ता सेट है, अगर आपको सोबर कलर पसंद है, अगर आपको ओकेशन में इस टाइप की चीज़ें पहनना पसंद है जो कंफर्टेबल भी हो, सुंदर भी हो, सोबर भी हो, तो डेफिनेटली आप इसे चेक कर सकते हो। देन है मेरी पसंद की और एक फ्लोरल प्रिंट की अंगरखा कुर्ता सेट, अंगरखा पैटर्न जैसे कि मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें आपको 3/4 स्लीव्स मिलेगा, और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा, थोड़ा सा ऐश के साथ ये पिंक कलर का जो प्रिंट है बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है मेरे हिसाब से, और ये जो अंगरखा पैटर्न है ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका जो स्लिट है वो थोड़ा सा हाई स्लिट है, तो वो मुझे उतना ज़्यादा खास नहीं लगा, स्लिट अगर थोड़ा सा नीचे से होता तो बहुत ही कंफर्टेबल लगता मुझे, ऐसे स्लिट के साथ बहुत ज़्यादा इशू भी नहीं है, क्योंकि इसकी जो
पलाजो पैंट है वो काफी हाई वेस्ट तरीके से आप पहन सकते हो, मतलब काफी ऊपर में करके आप पहन सकते हो जिससे कि आपका टमी वगैरह शो नहीं होगा। और इसका जो पलाजो पैंट है यू कैन सी ये काफी फ्लेयर्ड पलाजो पैंट है, तो इसका जो ओवरऑल लुक है वो मुझे बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगा। और इसमें आपको जो दुपट्टा मिलेगा वो सिंपल सा सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट शिफॉन दुपट्टा आपको मिल जाएगा। सो और साथ में इस टाइप का प्रिंट मिलेगा आपको, और इसके साइड में आपको थोड़ा सा बॉर्डर भी मिल जाएगा, सिल्वर कलर का बॉर्डर। तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो किसी भी ओकेशन में पहनने के लिए, अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट कुछ पहनना है तो आप ट्राई कर सकते हो। और मुझे लगता है इसके साथ अगर आप जूती पहनोगे और ऑक्सीडाइज ऑर्नामेंट्स पहनोगे और एक छोटा सा काला बिंदी लगाओगे तो बहुत ही ज्यादा सही लगेगा। देन है ये कुर्ता सेट। सो ये कुर्ता सेट मैं बहुत दिनों से लेने की सोच रही थी, मैं जब भी अमेजोन में जाती हूँ तो ये कुर्ता सेट मुझे हमेशा दिखता है ऐसे पिक्चर्स में, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है। आई थिंक मेरे वीडियो में भी शायद अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसकी क्वालिटी से मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ। ये सॉफ्ट कॉटन नहीं है, इसमें थोड़ा सा कुछ मिक्स मुझे ऐसा फील हो रहा है, साथ साथ इसका जो ओवरऑल शेप है वो भी उतना ज्यादा खास नहीं लग रहा है। मैंने मीडियम ऑर्डर किया था, उन्होंने डबल एक्सेल भेज दिया है, ये भी मुझे सही नहीं लगी। और इसका जो पैंट है वो आप देख सकते हो, सिंपल व्हाइट कलर की कॉटन पैंट है, लेकिन इसकी भी क्वालिटी उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का इसका पैंट है, मतलब एकदम भी कंफर्टेबल नहीं है। तो मैं इसे आपको रेकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन इसका जो प्रिंट है सच कहूँ तो अगर थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का ये बन जाता तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता, और मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करती, लेकिन मैं अभी इस बार के लिए आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगी। एंड इस हॉल की जो लास्ट आइटम है वो है ये ग्रीन कलर का कुर्ता सेट जो मैं ऑलरेडी पहन के हूँ, ये कलर मुझे काफी अच्छा लग रहा था। और इसका जो चेस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपल सा वॉक है और थोड़ा बहुत सिक्वेंस वॉक है, काफी अच्छा लग रहा है, सोवर लग रहा है। और इसका जो पैंट है यू कैन सी इसमें आपको इस टाइप का प्रिंट मिल जाएगा, बहुत ही सोवर सा है ये। और इसका दुपट्टा मुझे सच कहूँ तो बहुत ज्यादा पसंद आया, बिल्कुल मलमल कॉटन का दुपट्टा है, बहुत ही सॉफ्ट है। और दुपट्टे के दोनों साइड में आपको ये प्रिंट मिल जाएगा, साथ साथ थोड़ा बहुत आपको बॉर्डर में मिल जाएगा सिल्वर कलर का, तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है ये। और इतना ज्यादा सॉफ्ट कॉटन का मटेरियल है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। और इसका प्रिंट भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। तो ये कुर्ता सेट भी बहुत ही आइडियल है अगर आपको कॉटन कुर्ता सेट चाहिए, इसकी भी क्वालिटी इज रियली गुड, क्योंकि हमें जो चीजें लेना होता है उनकी क्वालिटी पे भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज हम अगर लेते हैं कुछ भी बहुत कम प्राइस में और इसे हम एक ही बार पहनने के बाद दूसरा टाइम वो इतना ज्यादा गंदा दिखे कि आप पहन ही नहीं पाओ, तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसके हिसाब से मैंने जो भी सारे कुर्ता सेट आपके साथ शेयर किया है, सारे कुर्ता सेट की क्वालिटी इज क्वाइट गुड, मतलब एक बार यूज करने के बाद ऐसा फील नहीं होगा वॉश करने के बाद कि मैं इसे पहन नहीं सकती। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सारी चीजों को आपको रिकमेंड किया है। सो होपफुली इस हॉल को आपने एंजॉय किया होगा। सो मेरे आज के वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप मुझे जरूर बताना कि कौन सा कुर्ता सेट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है। सो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।